एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं फीमेल को स्टिमुलेट करने के एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। खैर, जानते तो बहुत लोग हैं, फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग से निकल जाता है, कुछ लोग इस हिस्से को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, और इसकी वजह है कहीं ना कहीं हमारी वेब वीडियोस। वो वाली वेब वीडियो नहीं जहाँ पे फोरप्ले सिखाया जाता है, वो वाली वेब वीडियो जिसकी कहीं ना कहीं आपको लत लग जाती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी, इवन टीनेज एज में खास तौर से, जो लोग फोल्डर पे फोटो लगा लेते हैं ऐसे वीडियोस के, और उस वीडियो में जो दिखाया जाता है उसको ही सच मानते हैं और चल पड़ते हैं उसी को आसमानी। कुछ लोग तो ये सोचते हैं मेरा साइज कैसे बढ़ाया जाए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका साइज कम है, बट एक्चुअली जो फीमेल की जो संतुष्टि होती है वो साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी चीजें होती है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको मैं नंबर वन पे रखूंगी, और वो है क्लिट स्टिमुलेशन। क्लिट स्टिमुलेशन ऐसा मैं तो बोलती रहती हूँ, बट बहुत लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन किया है, इवन कमेंट सेक्शन में, इवन ईमेल में, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ये क्लिट कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्लिट कहाँ होता है। देखिए, ये होता है फीमेल का प्राइवेट पार्ट, ठीक है, ये होता है फीमेल का, यहाँ पे एक हुडी टाइप का हिस्सा होता है जिससे कवर की होती है क्लिट। यहाँ पे मटर के दाने जैसा, बिल्कुल मटर के दाने जैसे, मैं तो फिर भी बहुत बड़ा दिखा रही हूँ, यहाँ पे मटर के दाने जैसा क्लिट होता है। इसके नीचे यहाँ पे यूरेथ्रा होती है और यहाँ पे होल होता है जो कि वजाइनल वॉल होता है जो अंदर की तरफ जाता है। ये होता है फीमेल प्राइवेट पार्ट, यहाँ पे होता है क्लिट, यहाँ पे होता है यूरेथ्रा कैनल, और यहाँ पे होता है वजाइनल वॉल जो ओपनिंग होता है वजाइनल वॉल का। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि क्लिट कहाँ होता है, क्लिट यहाँ होता है। देखिए, क्लिट को स्टिमुलेशन देने का या क्लिट को इतना इंपॉर्टेंट बताने का राज ये है क्योंकि फीमेल की जो संतुष्टि है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्लिट से ही फीमेल को मिलती है, मैक्सिमम बेस पे 60-80% की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जो वीडियो को आप फॉलो करते हो ना, वो फीमेल को संतुष्टि दे या ना दे, उसको प्लेजर हासिल करवाए ना कराए, आपको उत्तेजित जरूर करता है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि कोई फीमेल आपके जो लिंग है उसको ना ही छुए, सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, उसको छुए, उसको स्टिमुलेट करे, उसको ही तराए, तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपकी संतुष्टि की जगह ही आपके प्राइवेट पार्ट का बिल्कुल कैप सेक्शन होता है, जहाँ पे सेंसिटिविटी होती है, जहाँ पे सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, उसको रगड़ने से, उसको फ्रिक्शन देने से ही आपको मिलता है। ठीक वैसे ही फीमेल की जो प्रॉपर बॉडी है, फीमेल की बॉडी के अलग अलग हिस्से से उसको हल्का पुल्का उत्तेजना, हल्का पुल्का संतुष्टि, हर चीज़ मिल तो सकती है, बट गहराई अगर मैं बात करूँ तो क्लिट ही ऐसा हिस्सा होता है जिसको आपको स्टिमुलेट करना होता है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इसी वजह से लड़के इस चीज़ को नहीं समझते, समझ के भी अनजान होते हैं, इसी वजह से आज के डेट पे टॉयस का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। लड़कियां खुद को खुद ही सेटिस्फाइड कर रही है, लड़कियां खुद ही खुद को संतुष्ट कर रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं होती भाई। इतने हत्ते गट्टे अच्छे खासे जवान जब हमारे पास हो, हमारे लाइफ में हो, फिर ऐसे टॉयस क्यों इतने बढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है, आप खुद सोचो। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने इंसर्ट भी किया हो, तब भी आपको ऐसे पोजीशंस ट्राई करने चाहिए, तब भी आपको ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लिट स्टिमुलेट हो सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो।
इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना। और इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जिनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मान लीजिए कि मैंने आपको डायग्राम दिखा के बताया कि ये है पूरा का पूरा प्राइवेट पार्ट, यहाँ पे क्लिट होती है, यहाँ पे होता है यूरेट्रा कैनल और यहाँ पे होता है होल। तो यहाँ से अगर आप अंदर डालते हो तो आपको कुछ पोजीशंस ऐसे ट्राई करने चाहिए अपर डायरेक्शन में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लिट को स्टिमुलेट कर सके। इससे यहाँ तक अगर फ्रिक्शन पहुंचेगा, स्टिमुलेशन पहुंचेगा, तभी फीमेल को खुशी मिलेगी। इसके अलावा भी आप एक्सटर्नल तौर से, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बखूबी इसको समझते हैं और वो अपने फीमेल पार्टनर को इंसर्ट करने से पहले बड़ी बारीकी से ओरल परफॉर्मेंस देते हैं, अपने टंग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत सारे लड़के अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो क्लिट को उसी पोजीशंस को अलग अलग तरीके से सॉफ्टनेस के साथ उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको सहलाते हैं, जिससे फीमेल की जो उत्तेजना होती है वो भी बढ़ती है। फीमेल की बॉडी में एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और इसके साथ साथ जब आप लास्ट पोजीशन पे, जब फीमेल नहीं रह पाती, उसकी प्रॉपरली उसकी जो उत्तेजना होती है वो 100% पोजीशन पे पहुंच जाती है, उसके बाद जब इंसर्ट करते हो ना, तो वो आइडियल होता है एक फीमेल के लिए, फीमेल अच्छे से संतुष्ट हो पाती है। बट आज भी बहुत सारे इंडियन फीमेल्स होते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि उसकी खुद की संतुष्टि है क्या। आज भी बहुत सारे फीमेल को अपने डिजायर के बारे में ही नहीं पता होता, पर उसकी बॉडी को तो पता होता है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, बूढ़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगले दिन सारा दिन चिड़चिड़ापन, खिचखिचापन, जब भी अप्रोच करना, मर्द जब भी अप्रोच करे ना कह देना, क्योंकि उसको वो एक्साइटमेंट महसूस ही नहीं होती कभी, या होती भी है या खुद नहीं इसके लिए इनिशिएट होती, या उसका उसको मेल पार्टनर को तो छोड़ ही दो, या तो मेल पार्टनर थोड़ा बहुत जो भी करता है फीमेल पार्टनर्स को इग्नोर करते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि किसी फीमेल को अगर इसके बारे में पता हो तो बहुत बार फीमेल खुद इनिशिएट होती है, बट उसके बारे में पता होना, उसकी खुद की बॉडी है, उसकी इंपॉर्टेंस को पता होना जरूरी होता है। तो मेल पार्टनर से मैं गुजारिश करूंगी कि उसके फीमेल पार्टनर को एक बार इस मजे को दे के तो देखो, उसको उस उत्तेजना तक, उस सुख तक पहुंचा के तो देखो। आई मस्ट श्योर कि फीमेल पार्टनर 10 बार पहले ना करती थी, अब शायद ही एक दो बार ना कहे, क्योंकि आप जिस मतलब कि जिस चीज को पाने के लिए आप तड़पोगे, कहीं ना कहीं वो भी उस चीज को समझेगी और उस चीज को हासिल करने का तड़प उस पे भी होगा। तो इसीलिए क्लिट स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।